नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सारे के सारे ऑल ओके वेरी गुड सो बच्चों जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है इकोट्रिक्स इन लॉन्ग इकोनोमेट्रिक्स का वन ऑफ द टॉपिक मल्टीकुलरिटी आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे ओके हेडिंग डाल लेते पहले मल्टी uh, कुलिनारिटी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्षमा अगर हो जाए मुझसे तो ठीक है बच्चों मल्टी कुलिनारिटी क्या होता है इस वीडियो को देख देखने से पहले आप सारे के सारे बच्चे इससे पहले के टॉपिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पे पहले अच्छे से फोकस कर लें उसके बाद आप इसका वीडियो देखें ठीक है उसके बाद आप इसका वीडियो देखें ओके okay. बच्चों जब हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पन पढ़ते थे तो उसमें वन ऑफ दी एजम्पन वॉज नो परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी मतलब देर इज नो परफेक्ट कोरिलेशन अमंग दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स अब जब मैंने वो एजम्शन आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये बताया होगा और अगर नहीं बताया तो क्षमा अब बोल देता हूं जो भी एजम्पन पड़ी थी ठीक है उस एज्शन अगर वो एजम्पन वायलेट होती है उस एजम्पन में कोई दिक्कत आती है तो उसका फर्क ओएल एस्टीमेटर पर क्या पड़ता है क्या ओएलएस एस्टिमेटर ब्लू रहेंगे क्या गॉस मार्क होल्ड करेगी क्या और भी बहुत सारी बातें ये सब होगा नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी वो हम इस चैप्टर में देखेंगे ठीक है बच्चों काइंड ऑफ थियोरिटिकल टॉपिक नॉट फुल्ली प्रैक्टिकल बट इट गिव यू देटर और दी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टी क्वीनारिटी की एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में अगर कोरिलेशन होता है तो उससे हाउ द रिग्रेशन मॉडल कैन अफेक्टेड ओके सो अजम्शन वॉज नो परफेक्ट मल्टी क्वलिनरिटी नोट परफेक्ट मल्टीकुलिनैरिटी ठीक है ध्यान से देखेंगे प्लीज सारे बच्चे ओके okay. बच्चों मान लो मैंने एक रिग्रेशन मॉडल लिखा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री लेट अस सपोज प्लस म्यू आई, ठीक है मैंने एक रिग्रेशन मॉडल कुछ ऐसा लिखा इस रिग्रेशन मॉडल में प्यारे बच्चों आप लोगों के पास जो वेरिएबल है x2 टू एंड एक्स थ्री इनके नाम आप सारे बच्चे जानते हैं इन्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं इन्हें एक्सप्लेनेंट्री वेरिएबल बोलते हैं इन्हें रिग्रेसर भी बोलते हैं ठीक है कहा जाता है कि इन दोनों में x2 टू और x3 थ्री में आपस में परफेक्ट कोरलेशन नहीं होना चाहिए परफेक्ट कोरलेशन का मतलब है कि कोरलेशन कैन नेवर बी प्लस वन और माइनस वन सवाल यह आता है कि अगर लेट अस सपोज डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस एंड इनकम तो प्राइस और इनकम अगर आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड हो जाएंगे तो उससे मॉडल पे क्या फर्क पड़ेगा अभी तक तो हम ओ से सारी कहानी पढ़ते आए हैं ओएलएस से काफी चीजें अच्छे से प्रूफ भी की हैं ब्लू प्रूफ किया है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाले हैं और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है तो अब हम देखते हैं अगर परफेक्ट कोरिलेशन आ जाता है परफेक्ट कोरिलेशन आ जाता है तो इसका क्या फर्क पड़ता है नाउ व्हेन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आर परफेक्टली कोरिलेटेड जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे तो मतलब अब एक बात बताओ अगर दो वेरिएबल में आपस में परफेक्ट कोरिलेशन होता है ये दो वेरिएबल में कोरिलेशन होता है तो देर मस्ट बी अ रिग्रेशन मॉडल बिटवीन देम बोलो बच्चों रिग्रेशन मॉडल क्यों बनता है वाई और एक्स को लेकर रिग्रेशन मॉडल क्यों बनाते हैं क्योंकि वाई एक्स की वजह से इफेक्ट हो रहा है ठीक है इट मे दे आर कोरिलेटेड तो x2 और x3 को लेके अगर मॉडल बनाएंगे हम लोग सो या तो मॉडल ऐसा बना सकते हैं x2 टू इज इक्वल टू एल्फा वन प्लस एल्फा टू एक्स थ्री आए और ऐसा भी कर सकते हैं एक्स टू आई इज इक्वल टू लैमडा टाइम एक्स थ्री आए बच्चों कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने यहां वेरिएबल लिखा आपने यहां वेरिएबल लिखा यहां आपने हैट नहीं लगाया और अगर सर आप यहां पे हैट नहीं लगा रहे हो तो मीवाई क्यों नहीं लिख रहे इसके साथ क्योंकि जब दो वेरिएबल को लेके मॉडल बनाया जाएगा जब दो वेरिएबल को लेके मॉडल बनाया जाएगा सो मीवाई आना तो वाजिब है मतलब लाजमी है मतलब आई एम यूजिंग उर्दू वर्ड मतलब मैंडेटरी है फाइन नहीं बच्चों अगर इन दोनों में आपस में परफेक्ट कोरिलेशन है अगर इन दोनों में आपस में परफेक्ट कोरिलेशन है तो एरर तो आएगा ही नहीं सिंपल याद करो कॉपिशन और डिटॉमिनेशन आर स्क्वायर वन आता तो, there is no error. है।, है तो देर इज नो एरर आर एस एस जीरो होता है ठीक है तो इधर दिस मॉडल और दैट मॉडल वुड बी एक्सेप्टेबल अब सवाल आता है कि जब ऐसा हो जाता है तो इनके एस्टिमेटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री हाट पे क्या फर्क पड़ेगा क्या ओ एस्टीमेटर एस्टिमेटर ब्लू रहेंगे क्या वो कैलकुलेट हो पाएंगे और भी एन नंबर ऑफ थिंग्स ठीक है जरा ध्यान से देखिए सारे बच्चे प्लीज ओके अस सपोज बच्चों मैं लेके चलता हूं कि परफेक्ट कोरिलेशन है कुछ इस तरीके से मैंने दो मॉडल लिखे थे एक इंटरसेप्ट एक विदाउट इंटरसेप्ट ठीक है मान लो एक्स टू आई इज इक्वल टू लैमडा टाइम एक्स थ्री आई अच्छा तो एक्स टू बार क्या होगा लैमडा टाइम एक्स थ्री बार और स्मॉल एक्स टू आई क्या होगा लैमडा टाइम स्मॉल एक्स थ्री आई ठीक है ना बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ओके अस सपोज परफेक्ट के केस में अगर मॉडल बना तो बीटा टू हैट या आया बीटा टू हैट का फॉर्मूला सबको पता है समीशन एक्स थ्री आई स्क्वाइनस समीशन वाई आय एक्स थ्री आई इन टू समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई ये बच्चों बड़ा सा फॉर्मूला समीशन एक्स टू आई स्क्वायर समीशन एक्स थ्री आई स्क्वाइनस समीशन एक्स टू आई एक्स थ्री आई का होल स्क्वा बच्चो बीटा टू है अब आप क्या दोस्तों देखो जी एक काम करते हैं अगर स्मॉल एक्स टू आए लैमडा टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स थ्री आए तो लेट दी वैल्यू देखते इसको रखा लैमडा ओके इसको भी रखा लैमडा एक्स थ्री आई ठीक है अपॉन इसको भी रखा लैमडा एक्स थ्री आई फाइन और इसको भी रखा लैमडा एक्स थ्री आए ठीक है कोई डाउट बच्चों यहां से लैमडा और यहां से लैमडा कॉमन आ जाएगा ठीक है लैमडा कॉमन आया तो यहां बच्चा समीशन वाई एक्स थ्री आए समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर वाई एक्स थ्री आए समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर दैट इन डिनोमिनेटर लैमडा स्क्वायर आउटसाइड साइड समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर समीशन एक्स थ्री आई स्क्वायर एक्स थ्री आई स्क्वायर का होल स्क्वायर लैमडा स्क्वायर बाहर समीशन एक्स थ्री आई का होल दैट ये और ये सेम है और ये और ये भी सेम है तो ऊपर भी जीरो आ रहा है और नीचे भी जीरो आ रहा है जीरो बाई जीरो सिंगल वैल्यू देता है जीरो बाई जीरो मैथामेटिक्स में बोलते हैं इनडिटर्मिनेस्टिक जीरो नहीं होता पहले मैथ्स ठीक करो अपनी जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेस्टिक रोन बी वन कैन बी टू कैन बी थ्री कैन बी फोर इट कैन बी एनीथिंग इट के नॉट है यूनिक वैल्यू दैट मीन ओ एल एस एस्टीमेटर विल नॉट बी डिटरमाइन ठीक है जी ओ एल एस एस्टिमेटर विल नॉट बी डिटरमाइन वेन वैन देर इज अ परफेक्ट मल्टीकोल इनिटी जब एक्स टू और एक्स थ्री में आपस में परफेक्ट कोरेशन होगा तो वट एपन वी कैनॉट फाइंड बीटा टू हैट सो इज बीटा थ्री हैट अब करना बीटा थ्री हैट यहां एक्स थ्री आए या एक्स टू आए या एक्स टू आए या एक्स थ्री आए एक्स यहां, 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 यहां पर डिनोमीटर तो सेम ही रहेगा तो बीटा थ्री हैट भी सिमिलरली बीटा थ्री हैट भी जीरो बाय जीरो ही आएगा एस्टिमेटर नहीं निकल पा रहे ये दिक्कत है ये दिक्कत है कि अगर आप लोगों के पास आपके अगर आप लोगों के पास आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल परफेक्टली कोरिनेटेड हो जाए तो ओलेस एस्टिमेटर नहीं निकल पाएंगे दैट्स वाई वी अज्यूम अंडर द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एज्शन दैट देर शुड बी नॉट देर शुड नॉट बी फेक्ट कोरिलेशन अमंगरली बार बी फोकस देखिए जरा. बीटा वन हार्ट पता क्या होगा वाई बार माइनस बीटा टू हाट एक्स टू बार माइनस बीटा थ्री हार्ट एक्स थ्री बार प्यारे बच्चों. यार अगर तुम्हारे पास यही जीरो बाय जीरो है तो ये भी जीरो बाई जीरो में ही काउंट होगा दैट मींस दैट मींस अंडर परफेक्ट कोरिलेशन अमंग दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अमांग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अंडर परफेक्ट ओरलेसन अमांग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ओ एल एस एस्टिमेटर कैन एवर बी डिटर्मिनेस्टिक आप मेरे प्यारे बच्चों अरे वो डिटर्मिनेस्टिक नहीं है तो फिर ब्लू कैसे बनेंगे ब्लू मतलब नीले नहीं बेस्ट लीनियर अनबाह एस्टिमेटर कैसे बने अब कुछ बच्चों ने ब्लू नहीं पढ़ा तो आई कांट हेल्प प्लीज पीछे की वीडियोस देखिए ठीक है ओके बात हो गई परफेक्ट मल्टीकोनारिटी में ऐसा नहीं हो सकता बट बट हम लोग तो फोकस कर रहे हैं हम लोग तो फोकस कर रहे हैं मल्टीकुलनारिटी पे ठीक है मल्टी कुलरिटी ओके बच्चों व्हेनेवर वी से मल्टी दोबारा बोल रहा हूं व्हेनेवर वी से मल्टी दैट मीन्स इम परफेक्ट मल्टी मतलब कोरिलेशन अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कैन बी लाइंग इन बिटवीन माइनस वन टू वन जीरो भी हो सकता है सो मल्टी कोलरिटी मतलब इम परफेक्ट मल्टी हमने ये तो जान लिया बच्चों कि परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होने पे ओएलएस एस्टीमेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वट इफेक्ट ऑन दी ओएलएस एस्टिमेटर वेन देर इज परफेक्ट मल्टीकुलरिटी बट वट एल्स वेन देर इज इम्परफेक्ट मल्टीकुलरिटी जब इम्परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होगी तो इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखना है ठीक है बच्चों, वो हम अब आगे डिस्कस करें ठीक है। ओके okay, बच्चों। तो अब हम जानेंगे कि मल्टीकुलरिटी मींस इम परफेक्ट मल्टीकुलरिटी होने से रिग्रेशन मॉडल पे क्या प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ सकता है ठीक है परफेक्ट के लिए तो हमने जान लिया यार है ना लेट्स बी फोकस ऑफ इम परफेक्ट अब इम परफेक्ट भी मैं ना सबसे पहले आई वुड लाइक टू राइट द रिग्रेशन मॉडल दैट इज वाई इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आए प्लस सम म्यू लेटर सपोज आई हैव रिटर्न नॉन डिटर्मिस्टिक पी आर एफ नाव एक्स टू आई एंड एक्स थ्री आई की जो वैल्यू है लेटर सपोज माइनस वन से वन के बीच में है बट जीरो नहीं है ठीक है जीरो हो जाएगी तो कोई मल्टीकुलरिटी नहीं होगी ठीक है मान लेते हैं. अब आप लोगों को अगर याद हो तो अगर आर कोरिलेशन बिटवीन एक्स टू एंड एक्स थ्री कुछ भी होता है अदर देन माइनस वन और वन अदर देन माइनस वन और वन यानी परफेक्ट ना हो कोरिलेशन तो ओएल एस्टीमेट आराम से डिटरमाइन हो सकते हैं वो तो हमने तो करें करें इससे इससे पहले नहीं करें। इस पहले तो था। जब इम परफेक्ट कोरिलेशन है मतलब कुछ आपस में कुछ भी सॉरी इम परफेक्ट कोरलेशन है इसका मतलब आपस में परफेक्ट कोरिलेशन नहीं है ठीक है तो दे कैन बी इजिली डिटरमाइन बट अगर परफेक्ट कोरिलेशन है सो दे कैन नेवर बी सो so, अगर आपको थोड़ा सा याद हो वेरियंस ऑफ बीटा टू हार्ट का फार्मूला होता था ये सिग्मा स्क्वायर समीशन एक्स टू आई स्क्वायेर वन माइनस आर स्क्वायर टू थ्री मैं इस इसमें बहुत तगड़ा वाला डिस्कशन करने वाला हूँ बहुत तगड़ा वाला जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा ठीक है और बहुत अच्छा डिस्कशन आप लोग अपने टीचर से भी कर सकते हैं आपके जो होनहार अच्छे टीचर जो हैं एक्चुअली में ठीक है वो आपकी ये बातें सुन के आपके इस डिस्कशन से बहुत खुश होंगे आपसे ठीक है और जो होनार नहीं है जिन्हें खुद नहीं पता उनका मैं कुछ नहीं कह सकता सॉरी फाइन ओके वेरियंस ऑफ बीटा टू हैट सिग्मा स्क्वायर अपॉन समीशन एक्स टू आई स्क्ट वन माइनस आर इज दिस कोफिशन ऑफ डिटॉर्मिनेशन बिटवीन एक्स टू एंड एक्स थ्री एक्स और x3 के बीच का कोफिशिएंट ऑफ डिटॉर्मिनेशन ठीक है अभी के लिए मैं फोकस करना चाह रहा हूं मल्टीकुलरिटी हाई है हाई मतलब ये ज्यादा है तो उससे मॉडल में क्या फर्क पड़े अच्छा देखो सुनो अगर ये वन हो जाए या माइनस वन हो जाए वन ही होगा वैसे तो माइनस वन भी नहीं होगा माइनस वन होता तो स्क्वायर वन आ जाता तो तो फिर वेरिएंस डिटरमाइन ही नहीं होगा वो तो हम पढ़ ही चुके हैं जब परफेक्ट कोरिलेशन में ओलेस एस्टिमेटर ही नहीं आ रहे तो वेरियंस कहा से डिटरमाइन होगा ठीक है इम्परफेक्ट कोरेशन हाई मल्टीकैरिटी मुझे बताओ आर स्क्वायर टू थ्री जितना ज्यादा होगा अच्छा ये तो क्लियर है ना आर स्क्वायर टू थ्री किसके बीच में लाई करेगा जीरो से वन के बीच में लाई तो करेगा लिख दो थोड़ा बड़ा बड़ा अगर आर टू थ्री माइनस वन से वन के बीच में तो आर स्क्वायर टू थ्री कहां लाई करेगा जीरो सेवन के बीच में मानो ये बहुत बड़ा है तो वन माइनस समथिंग बहुत छोटा आएगा ओवरऑल फ्रैक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा इससे क्या पता लगता है हाई मल्टीकुलिनैरिटी होने की वजह से मैं एकदम चिल्ला देता हूं तो आप डर मत जाना ठीक है हाई मल्टीकुलिनैरिटी होने की वजह से वेरिएंस बड़ा आ जाएगा जी और जब वेरियंस बड़ा आता है तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती है जी बहुत सारी आई कॉन्ट एक्सप्लेन आई विल एक्सप्लेन मतलब वो मैं वैसे बोल रहा हूं आई कांट एक्सप्लेन ठीक है सो so, आप लोगों का प्यारे बच्चों वेरियंस अगर बहुत बड़ा आता है तो उससे कुछ दिक्कतें पैदा होती हैं ना वट आर डोज या दिक्कतें ठीक है देखो बच्चों पहली बात तो ये पता लग गई कि मल्ट, हाई मल्टीकोनारिटी होने की वजह से वेरियंस बड़ा आ सकता है ठीक है ना हाई मल्टीकुलरिटी होने की वजह से वेरियंस बड़ा आ सकता है बड़ा आ सकता है और बड़ा आएगा जमीन आसमान का फर्क है तो अभी मैं बोल रहा हूं बड़ा आ सकता है ये बड़ा वन माइनस छोटा डिनोमिनेटर छोटा तो ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा दैट्स ऑल बेसिक मैथमेटिक्स बात क्लियर कोई अब दूसरा तरीका कि आप लोगों के पास मल्टी होने की वजह से और क्या दिक्कतें आती हैं मान लो मान लो इंडिविजुअली ये और ये मॉडल को इफेक्ट नहीं कर पा रहे मतलब प्राइस अकेला निहत्ता डिमांड को इफेक्ट नहीं कर पा रहा इनकम अकेले और निहत्ती डिमांड को इफेक्ट नहीं कर पा रही इफेक्ट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब जब आप इसकी हाइपोथ बच्चों बहुत इनडेप जाके बात करूंगा तो पहले मल्टीलिनियर पढ़ के ही इस चैप्टर को पढ़ना पहली दो यूनिट ठीक है फाइन so, सो अगर प्राइस इसको इफेक्ट नहीं कर पा रहा इनकम इसको इफेक्ट नहीं कर पा रही अलग अलग फाइन मैं आपको बता रहा हूं आर स्क्वायर के आपको कैसी प्रेजेंस पता लगेगी या उसके सॉरी मल्टी के कॉन्सिक्वेंस आपके सामने कैसे आएंगे सुनो पहला मल्टीपिक्वेंस आप देख ही चुके हो वेरियंस बड़ा आ जाएगा ठीक है फिर मैं किताब में जो कॉन्सिक्वेंस लिखूंगा मैं बट बड़ वेरियंस बड़ा आ जाएगा दूसरा दूसरा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि जब दो वेरिएबल में आपस में हाई कोरिलेशन है इसमें और इसमें फाइन तो ना ये वेरिएबल इसको अलग अच्छे से इफेक्ट कर पा रहा है ना ये वेरिएबल इसको अच्छे से इफेक्ट कर पा रहा है तो जब इसको अच्छे से इफेक्ट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब जब इसके कोफिशंट की टेस्टिंग करोगे तो वो फेल हो जाएगी यानी वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी यानी जो टी वैल्यूज आती है टेस्ट एक्ट वैल्यू अंडर टी डिस्ट्रीब्यूशन वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी जब कोई चीज इंडिविजुअली मॉडल को इफेक्ट ना कर पा रही हो जैसे मान लो कोई भी भारी चीज है फाइन वो एक बंदे से अकेले नहीं उठ रही दो लोग हैं 30 -30 किलो के फाइन और जो सामान उठाना है पचास किलो का है सौ किलो का है छोड़ो जाना ठीक है सौ किलो एक तीस किलो वाले से नहीं रहा दूसरा है उससे भी नहीं रहा दोनों के दोनों उस सामान को उठाने में सक्षम नहीं है सक्षम मतलब नहीं नहीं उठा पा रहे तो इंडिविजुअली दोनों इफेक्ट नहीं कर पा रहे पर जब दोनों कहते चलो मिलके उठाते मिलके उठाया दोनों सामने वाले से ताकत मिली दूसरे को एंड वाइसा वर्षा हुआ उड़ गया पत्थर उड़ गया सामान फाइन यानी दोनों मिलकर अफेक्ट कर पा रहे हैं यानी दोनों आपस में को रिलेटेड है समझ रहे हो फाइन अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं दोनों मिलके तो हमेशा को रिलेटेड जरूरी थोड़ी है नॉट ऑलवेज सामने वाला कहता है ये छूएगा तो मैं तो छूने वाला भी नहीं हूं ठीक है सो दोनों मिलके मॉडल को अफेक्ट कर पा रहे हैं तो बच्चों मल्टीकुलरिटी की पेपर में पहचानने का तरीका तो मैं आपको सिखा रहा हूं सुनना इन फ्यू इन सिग्निफिकेंट टी रेशो एंड हाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर पता है कोफिशंट ऑफ डिटर्मिनेशन परसेंटेज वेरिएशन इन वाई आई डी यू टू एक्स टू एंड एक्स थ्री ज्वाइंटली अगर इंडिविजुअली ये दोनों मॉडल को इफेक्ट नहीं कर पा रहे बट जब दोनों मॉडल में एक साथ आ गए तो आर स्क्वेयर बड़ा हो गया तो इफेक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब इन दोनों में कोरिलेशन होगा। इसका मतलब इन दोनों में आपस में कोलिनारिटी है अकेला विराट कोहली कुछ नहीं कर सकता जब तक अच्छे बॉलर्स नहीं है उसके पास टीम को जिताने के लिए लेटर सपोज वाया विनिंग द मैच नंबर ऑफ विनिंग द मैच या नंबर ऑफ मैच इज विनिंग एक्स थ्री इज कोई बॉलर है लेटर सपोज बुमरा है फाइन बुमरा अकेला कुछ नहीं कर सकता अगर अच्छे बैट्समैन ही नहीं है तो पर जब दोनों मिल के आ गए टीम में तो मॉडल इफेक्ट हो पा रहा है इसका मतलब दोनों आपस में कोर रिलेटेड है एक को एक के आने से दूसरे को मोटिवेशन मिल रहा है मैं अच्छी बॉल फेंकूँगा ठीक है थोड़े से रन चले भी जाएंगे बट मैं अच्छी बॉल फेंकूंगा मुझे पता है मेरा बैट्समैन बना लेगा फाइन मैं बैट्समैन खेल रहा है मैं ठीक ठीक थी खेलूंगा मतलब एवरेज स्कोर दे दूंगा मुझे पता है मेरे बॉलर बचा लेंगे इसका मतलब बॉलर और बैट्समैन आपस में कोरिलेटेड है बच्चों मैं बहुत तगड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एंड यू विल लाइक इट अपनी तारीफ नहीं कर रहा मतलब बता रहा हूं आपको ठीक है सो आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा ठीक है तो बच्चों मल्टी कोलिनरिटी आपस में दो वेरिएबल में कोरिलेशन है या नहीं है वो पहचानने के लिए यार दोनों मिलके मॉडल को बहुत अच्छे से फिट करेंगे बट इंडिविजुअली नहीं कर पा रहे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं बट एक मल्टीक्रुनैलिटी का आ, पार्ट होता है कि के लिए कि आपस में दो वेरियबल या है नहीं है। यही तो जानना, क्या तो क्रुनैलिटी होने का मतलब अगर एक वेरिएबल इंडिविजुअली किसी को अफेक्ट नहीं कर पा रहा बट दोनों मिलकर अफेक्ट कर पा रहे हैं इसका मतलब दोनों में आपस में कोरिलेशन है दोबारा देखो रिवाइंड करके दिक्कत है बाकी बार बार ये इनसिग्निफिकेंट टी और आर स्क्वायर बार बार डिस्कस होता रहेगा भी अभी इसी चैप्टर में ठीक है चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं इसमें जरा प्लीज देखिएगा सारे पार्ट है मेरे पास ये जो कंसेप्ट है वो है कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाई और नियर मल्टी क्विनेरिटिव मैं एकदम एग्जैक्टली exactly जो हमारी किताब में लिखा हुआ है वो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करता हूं और आपको इजीली समझाता भी हूं पहला इन्होंने लिखा हुआ है ओ एल एस एस्टिमेटर हैव लार्जर वेरियंस को वेरियंस बस एंड मेकिंग एंड मेकिंग एस्टिमेशन डिफिकल्ट मतलब जब वेरिएंस बहुत ज्यादा बड़ा आता है तो एस्टिमेटर निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है ना और टेस्टिंग वेस्टिंग करो तो बड़ी दिक्कतें हो पैदा होती हैं ठीक है तो लार्जर वेरियंस क्यों आता है मल्टीपोलिटी मैंने अभी आपको बताया था टू थ्री बड़ा वन आर टू थ्री छोटा वो में होता है बड़ा हो जाता है एक बात ध्यान रख लो एक बात विल नॉट अफेक्ट ब्लू ब्लू बरकरार रहेगा ठीक है ब्लू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेकेंड सेकेंड क्या मैं अपनी तरफ से लिखता हूं लार्जर सी आई इन अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टेस्टिंग और चलो लार्जर की जगह कभी कभार मैं वाइडर वर्ड भी यूज करता हूं वाइडर कॉन्फिडेंस इंटरवल इन अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक है इसी में मैं आगे और तीन पॉइंट जोड़ देता हूं इनसिग्निफिकेंट टी रेशो दैट्स ऑल फाइन ध्यान से सुनना मजा आएगा अगर मेरी बात सुनो वेरिएंस बहुत बड़ा हो जाए चलो बीटा टू हैट से समझाता हूं बीटा टू का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है बीटा टू हैट माइनस टी अल्फा बाई टू कॉमा एन माइनस टू लेटर्स सपोज एन माइनस थ्री स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू हैट कॉमा बीटा टू हैट टी एल्फा बाई टू कॉमा एन माइनस थ्री स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा थ्री बढ़ा तो स्टैंडर्ड एरर भी बढ़ा तो कोई बड़ी वैल्यू यहां से घटाई जाए और कोई बड़ी वैल्यू प्लस की जाए तो कॉन्फिडेंस इंटरवल चौड़ा हो जाएगा चौड़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ जाएगा और टेस्टिंग। देखो, जब बढ़ जाएगा, बीच में हम बीटा टू को जीरो लेके करते हैं टेस्टिंग तो ये बढ़ जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा हमेशा एक्सेप्ट होता जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के बढ़ने से एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ जाएगा किसका एक्सेप्टेंस रीजन बढ़ जाएगा बीटा टू जीरो को एक्सेप्ट करने का रीजन बढ़ जाएगा और बीटा टू जीरो को एक्सेप्ट करने का रीजन अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है मॉडल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा x2 मॉडल को इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा एक, याद करो रिग्रेशन में एच नॉट का एक्सेप्ट होना मींस मॉडल इज इनसिग्निफिकेंट जब बीटा टू जीरो आ जाएगा तो x2 टू आई को इफेक्ट कैसे करेगा इसलिए खराब बात है वेरियंस का बड़ा होना इनसिग्निफिकेंट टी रेशो याद करो ये है जितना ज्यादा वेरिएंस बड़ा उतना टी वैल्यू छोटी जितनी टी वैल्यू छोटी इसके आसपास भटकोगे एक्सेप्टेंस के आसपास बिल्कुल जीरो के आसपास अगेन मॉडल इंसिग्निफिकेंट हो जाएगा ठीक है तो इसलिए ज्यादा वेरिएंस बड़ा होना अच्छी बात नहीं होती बच्चों ठीक है तभी तो एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं स्टार्ट में ठीक है वेरियंस को छोटा होना जरूरी है ठीक है अच्छा इसके कॉन्सिक्वेंसिस और क्या आते हैं अभी मैंने आपको बताया था फ्यू इनसिग्निफिकेंट टी रेशो एंड हाई आर स्क्वेर अलग अलग तो इफेक्ट नहीं कर पा रहे तभी इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं दोनों मिलके इफेक्ट कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से मॉडल को तभी आर स्क्वायर बड़ा हो रहा है पढ़ा रहा है, ठीक है आगे ओ एल एस एस्टिमेटर एंड देयर स्टैंडर्ड एरर कैन बी सेंसिटिव टू द स्मॉल चेंज इन डेटा ओ एल एस एस्टिमेटर यह थियोरटिकल है एंड देयर एस्टिमेटर आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंज इन डेटा मतलब यार अगर डेटा थोड़ा सा भी चेंज होगा मान लो आपने एक्स टू एक्स थ्री आई दस उठाए फिर दोबारा एक्स टू एक्स थ्री आई दस उठाए अलग अलग सैंपल में तो मल्टी चेंज होती रहती है ना तो मल्टी चेंज होती रहती है तो ओएलएस एल एस्टीमेटर भी अलग आते हैं उनके वेरियंस भी अलग आते हैं तब अगर मल्टीप्रोनलिटी बढ़ती जा रही है तो वही हाई आर स्क्वायर फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशो लार्जर कॉन्फिडेंस इंटरवल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इनसिग्निफिकेंट टी रेशो इसलिए ये लिखा हुआ है कि स्मॉल चेंज इन डेटा मतलब डेटा में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका फर्क ओ एल एस एस्टिमेटर में पड़ता है जिसकी वजह से मल्टीक्यूनारिटी उत्पन्न हो सकती है ठीक है इसको लिखे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ओके बच्चों आगे मूव करेंगे हम लोग मल्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे कॉन्सिक्वेंसिस के बाद हमारे पास आता है हाउ टू डिटेक्ट मल्टीकुलरिटी कैसे पता लगाएंगे कि डेटा में मल्टी है परफेक्टिंग इम्परफेक्ट ऑब्वियसली इम परफेक्ट ठीक है ओके सो डिटेक्शन ऑफ मल्टी कूलिनरिटी सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट हाई आर स्क्वेर एंड सिग्निफिकेंट टी रेशो आर स्क्वायर बड़ा एंड टी रेशो कुछ ही सिग्निफिकेंट या फ्यू इन सिग्निफिकेंट वर्ड यूज कर लो फ्यू इन सिग्निफिकेंट टी रेशो कुछ टी रेशो वर्क नहीं करेंगे और आर स्क्वायर बड़ा होगा ठीक है दूसरा हाई वाइज कोरलेशन अमंग दी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वाइज मतलब मान लो ये बीटा वन प्लस बीटा टू तो एक्स टू तो आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आए डॉट 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 बीटा के एक्स के आए प्लस म्यू आप इनके बीच कोरिलेशन चेक करो अगर इनके बीच कोरिलेशन ऐसा कुछ बहुत हाई आ रहा है दैट मीन्स मल्टी अच्छी खासी है हाई मल्टी ठीक है फाइन एक तो बात हो गई पेयर वाइज कोरिलेशन और एग्जामिन दी पार्शल कोरिलेशन बच्चो पार्शल कोरिलेशन पता है क्या होता है जैसे देखो आर ट्वेंटी थ्री पॉइंट फोर निकाल रहे हैं आर फोर्टी टू पॉइंट थ्री निकाल रहे हैं आर फोर्टी सेवन पॉइंट एट निकाल रहे हैं मतलब पता क्या है 23.4 का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन एक्स टू एंड एक्स थ्री एंड कीपिंग एक्स फोर कॉन्स्टेंट कोरलेशन बिटवीन एक्स फोर एंड एक्स टू कीपिंग एक्स थ्री कॉन्स्टेंट जैसे मान लो आपने जब एक्स टू और एक्स थ्री के बीच का कोरिलेशन लिया तो मान लो एक्स टू दस बारह चौदह अट्ठारह था और ये पंद्रह नौ आठ सात था और इस टाइम पे एक्स फोर हर जगह 5 5 पांच था तो एक्स टू और एक्स थ्री के बीच के इस कोरिलेशन को कहेंगे एक्स आर टू थ्री पॉइंट फोर इसमें जब एक्स टू एक्स थ्री के बीच का कोरिलेशन निकाला था एक्स फोर कॉन्स्टेंट नहीं था वो भी वेरी कर रहा था बट मेरा फोकस सिर्फ एक्स टू तो एक्स थ्री पे था बट जब हम लोग पार्शियल कोरिलेशन निकालते हैं याद करो मैथ्स में पढ़ाओ पार्शियल मतलब अलग वेरिएबल को कॉन्स्टेंट लेके चलते बच्चों ये सब थियोरटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है आपको याद रखने पेपर में एज इट इज लिख कर आने रियल लाइफ सिनारी में जब आप जॉब में ये सब काम करोगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ती हुई चीज जब सामने प्रैक्टिकली प्रेजेंट की जाती है तो आई होप आप सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट ले और ये सब चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करें ठीक है जी आगे बढ़ते हैं जी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं फोर्थ आता है डिटेक्शन में फोर्थ इज फोर्थ इज ऑक्जीडरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑक्जीनरी रिग्रेशन इक्वेशन तो इस रिग्रेशन इक्वेशन में ऑक्जीजन रिग्रेशन इक्वेशन में व्हाट हैपन बच्चों मान लो कोई ऐसा मॉडल है आपको चेक करना है मल्टी क्यूनारिटी है नहीं है मल्टी क्यूनरिटी मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में कोरोन है नहीं तो ऐसे रिग्रेस कर लो मान लो एक्स टू आई को बाकी सब पे रिग्रेस कर लिया ठीक है इसको लेके जो कोरलेशन निकला इनमें वो आर स्क्वायर टू हो गया आर स्क्वायर टू का मतलब है परसेंटेज वेरिएशन इन एक्स टू आई ड्यू टू एक्स थ्री एंड एक्स फोर तो इनके कोरलेशन की बात हो रही है फिर आप इसकी टेस्टिंग कर लो एच स्क्वायर में आर स्क्वायर टू जीरो पॉपुलेशन वाला ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन जीरो ठीक है और गाइस इसकी जो टेस्ट स्टार्ट होगी वो एफ होगी याद करो आर स्क्वायर टू अपॉन के माइनस वन वन माइनस आर स्क्वायर टू अपॉन एन माइनस के और क्रिटिकल वैल्यू सबको याद होगा एफ अल्फा कॉमा के माइनस वन कॉमा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो मान लो आपका ऐसा रिग्रेशन मॉडल बना बनाया दे देगा आपको आर स्क्वायर टू की वैल्यू भी दे देगा और आपको टेस्ट करने को बोलेगा मल्टी है है नहीं तो बड़ा साधारण सा इसका आंसर है कि अगर एच नॉट एक्सेप्ट होता है तो कोई मल्टी नहीं है और अगर एच नॉट रिजेक्ट होता है तो मल्टी है ठीक है बच्चों ओके आगे हम बढ़ते हैं इसके पांचवे पॉइंट में पांचवा पॉइंट है इसका बच्चों लार्जर वी आई एफ वी आई एफ मतलब वेरियंस इन इन्फेश, इन्फ्लेशनरी फैक्टर पता है वी आई एफ का मतलब ये होता है एक बात बताओ जितना ज्यादा बड़ा वी आई एफ होगा उतनी ज्यादा मल्टी होगी क्योंकि वीआईएफ तब बड़ा आएगा जब बार बड़ा बढ़ाएगा जब आर स्क्वायर टू थ्री बड़ा होगा तो वन माइनस आर स्क्वायर टू थ्री छोटा होगा और ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा होगा तो हायर दी वी आई एफ मीन्स हायर मल्टीकुलरिटी दैट इज अगेन वन ऑफ द पार्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ मल्टीकुलरिटी ठीक है तो बच्चों हमने परफेक्ट मल्टीकुलरिटी पढ़ा इम परफेक्ट पढ़ा कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े डिटेक्शन पढ़े अब देखते हैं जो कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कतें तो हमें नहीं दे रहे क्योंकि मेरी ब्लू तो बरकरार है बट स्टिल अगर हमें मल्टीपोनाइट से बचना हो तो बचने के लिए क्या उपाय हम लोग अप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं रेमेडियल मेजर ठीक है तो पहले आप इसको लिखिए फिर मैं रेमेडियल मेजर आपको पढ़ाता हूं ओके बच्चों सो आगे हम बढ़ेंगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आएगा वो आएगा क्या आएगा जी रेमेडियल मेजर ऑफ मल्टीकुलिनारिटी कैसे मल्टीकुलिनारिटी से बचा जाए बचना है भाई फिलहाल उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है बहुत भारी कॉन्सिक्वेंसेज है बहुत हल्के कॉन्सिक्वेंसेज है वो सब मैटर ना रखते हुए हमारा मेन फोकस है क्या मल्टीकुलिनारिटी से बचना ठीक है सबसे पहला मान लो ऐसा मॉडल है पहले मैं लिख देता हूं ड्रॉपिंग दी वेरिएबल फ्रॉम दी मॉडल मान लो मॉडल ये है बिट ऑबियस है जब दो एक्सप्लेनेंट्री वेरिएबल है तो मल्टीकोनारिटी के चांस बढ़ेंगे सोचो इनमें से कोई इग्नोर ही कर दो मॉडल मान लो एक्स टू को लेके बना लो बस जब ये मॉडल है तो मल्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस टाइप मॉडल में देर इज नो चांसेस मल्टी क्यूनारिटी बच्चो वाई किसके साथ कोरिलेशन होगा इसका जब मॉडल में कोई दूसरा एक्सप्लेन एंट्री है बट 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 जब हम मॉडल में से कोई वेरिएबल हटा देते हैं और वो वेरिएबल मॉडल के लिए रेलिवेंट होता है तो मॉडल पे इफेक्ट तो पड़ेगा इस मॉडल और इस मॉडल में फर्क आ गया अगर मान लो ये मॉडल था तो एरर कम आ रहे थे ये मॉडल आया तो एरर ज्यादा आ रहे बैट्समैन और बॉलर टीम में थे तो विनिंग मैच को अच्छे से इफेक्ट कर पा रहे थे आई नो इनमें को रिलेशन था कोई दिक्कत नहीं बॉलर को टीम से निकाल दिया सिर्फ बैट्समैन रखे तो विनिंग मैच को इफेक्ट नहीं कर पा रहे इतना अच्छा जितना ये कर पा रहे थे एरर ज्यादा आ रहा है इसमें तो यहाँ एरर ज्यादा आ रहा है क्यों क्यों ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सरे निकाल दिया आई हैव द रीजन दैट वाई एरर इज लार्ज इन दैट केस इफ आई नो द रीजन दैट वाई एरर इज लार्ज वाई एरर इज हायर दैट मीन्स देर इज स्पेसिफिकेशन बायसनेस इन द मॉडल दैट मीन्स ड्रॉपिंग अ रेलिवेंट वेरिएबल फ्रॉम द मॉडल इज नॉट द यू कैन से

और अगर अभी नहीं लिख पाए तो बुक में लिखी हुई है ठीक है तो ड्रॉपिंग अ रेलिवेंट वेरिएबल इज नॉट द फिजिबल इज नॉट द फिजिबल रीजन टू रिड्यूस द मल्टीकुलरिटी बिकॉज फॉर दैट रीजन स्पेसिफिकेशन बायसनेस एग्जिस्ट विच अगेन वायलेट वन ऑफ द एजम्पन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट सेज दैट देर इज देर इज नो स्पेसिफिकेशन बाइजन सिंधी मॉडल अंडरस्टुड तो हटाना नहीं जी मत हटाना प्लीज क्षमा है आपसे मेरीबल नहीं हटाएंगे पेपर में लिख देना कहीं लिखो कि हम तो लिखेंगे नहीं पहला पॉइंट गंदा पॉइंट है ऐसे मत करना ठीक है पेपर में तो रेमिडी लिख कर आना फाइन बट एक्सप्लेन कर देना नीचे जो मैंने सारी कहानी ठीक है आगे बढ़ते मुझे ड्रॉपिंग ऑफ वेरिएबल के की बात सेकेंड आती है प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट पैरामीटर्स मान लो जी मान लो आपके पास ये मॉडल है जहां पे आपको पता है कि बीटा थ्री जीरो पॉइंट वन जीरो है ये आपको गिवन है जब पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो डालो ना इसको एस्टीमेट क्यों करेंगे फिर इसे और इसको ना काम करो इधर मिला लो वाई के साथ भेज दो और इसका नाम वाया स्टार दे दो इसे कहते हैं मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर दिया क्या इस मॉडल में एक्सप्लेन अब एक ही रह गया ना आई नो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया बट एक्सप्लेन एंट्री तो एक ही रह गया ना इट मीनस वॉट मल्टी के चांस नहीं कोई ठीक है ओके अभी बहुत बहुत सारे आगे चैप्टर में ये सब चीजें आएंगी सो so, आप अच्छे से फोकस करते हुए चलिए नेक्स्ट प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ सम पैरामीटर के बाद थर्ड वुड बी ट्रांसफॉर्म दॉडल मीन्स वॉट अगर मेरे पास मॉडल है ये एक काम करो डिवाइड कर लो एक्स टू आई से नो इस तरीके से नहीं सॉरी Of y on X2 and X3, on 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 इसको इसको स्टार स्टार नाम दे दो और इसको स्टार नाम दे दे दो दो और और मॉडल बनाओ ये कुछ बच्चे कहते हैं सर डिवाइड करने का लॉजिक है मान लो मान लो ये आपके पास आ, आ, इंपोर्ट है या आपके पास एक्सपोर्ट है या आपके पास इंडेक्सीशन है अगर इंडेक्सीशन से डिवाइड करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट को ठीक है या इंपोर्ट को या इनकम को तो इंडेक्सेशन डिवाइड करने पर रियल वैल्यू आती है अगर थोड़ी सी इंडेक्सेशन जानते हो किसी को भी अगर इंडेक्सेशन से डिवाइड करते हैं तो मनी वैल्यू कन्वर्टेड इनटू रियल वैल्यू तो मैं इसको इस पर रिग्रेस कर रहा हूं अच्छा डिवाइड जब करना जब कोई मीनिंग बने नहीं, डिवाइड कर दिया मान लो ये डिमांड है नंबर ऑफ पीपल है क्या मतलब है फाइन इट शुड बी अ मीनिंगफुल मॉडल तो आप देख सकते हैं एक ही रह गया एक तरह से रिमूव भी नहीं हुआ एक्स थ्रिया और वो इसके अंदर बस भी गया एक्स थ्रिया रिमूव भी नहीं हुआ और वो इसके अंदर बस भी गया इसके अंदर बस, बस गया मतलब डिवाइड कर दिया ना तो इसको रियल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया ट्रांसफॉर्म दी मॉडल ठीक है कीप रिवाइजिंग, कीप रिवाइजिंग, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट इज चेंज दी फंक्शनल फॉर्म मान लो ऐसे लेने पे हाई मल्टीकुनारिटी आ रही है मान लो जब लॉग लॉग मॉडल ले रहे हैं तो मल्टीगुनारिटी छोटी आ रही है है ना जब लॉग लॉग मॉडल ले रहे हैं तो मल्टीक्यूनरिटी छोटी आ रही है तो एक काम करो अगर बहुत ज्यादा मल्टीकनरिटी नजर आ रही है तो मॉडल कोई चेंज कर दो ना मॉडल की फंक्शनल फॉर्म बदल दो जिससे उनकी प्रेजेंस भी रहेगी और नई फंक्शनल फॉर्म आ जाएगी ठीक है बच्चों सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मल्टीकनैरिटी पेपर में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए और आपसे मल्टीक्रिटी टेस्ट करने को बोले कि इसमें है नहीं है तो आप क्या करेंगे इंडिविजुअल टेस्टिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे। बता देता चलो ये तो चलो थियोर पार्ट सारा हो गया मान लो पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ वाई आईज इक्वल टू वन पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट वन टू एक्स टू आई माइनस जीरो पॉइंट वन टू एक्स टू आए माइनस वन पॉइंट टू एक्स थ्री आए और ये हैट है स्टैंडर्ड एरर है इनके और इनकी टी वैल्यूज भी हैं ठीक है आपसे बोलता है और आर स्क्वायर आ रहा है ज़ीरो पॉइंट नाइन एट आपसे बोलता है टेस्ट करो कि मल्टी है या नहीं तो आप एक काम करोगे बीटा टू की टेस्टिंग करोगे मान लो ये प्राइस है और ये डिमांड है तो लेस देन जीरो लेके बीटा थ्री की टेस्टिंग करोगे इनकम है मान लो ये तो राइट टेल लेके और आर स्क्वायर की टेस्टिंग करोगे ठीक है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां नेगेटिव चल रहा है तो इसकी टी वैल्यू नेगेटिव आएगी और ये राइट टेल टेस्ट है तो डेफिनेटली इसमें ये एक्सेप्ट हो जाएगा मान लो यहां पे ये यह एक्सेप्ट हो रहा है और यहाँ पे रिजेक्ट यह हो रहा है तो ये रिजेक्ट होने का मतलब ओवरऑल दोनों मिलके मॉडल को इफेक्ट कर पा रहे हैं और इसके एक्सेप्ट होने का मतलब ये इंडिविजुअली मॉडल को इफेक्ट नहीं कर पा रहा तो अगर कोई इंडिविजुअली मॉडल को इफेक्ट ना कर पाए और कोई दो मिल मॉडल को इफेक्ट कर दें तो इसका मतलब होता है देर इज अ चांसेस और द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कुलटी ठीक है बच्चों बच्चों बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ टॉपिक रिवाइज़ करो कोई भी दिक्कत कोई भी अगर मेरे से कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा माफ़ी कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे अपने डाउट पूछो कॉल करो और बहुत बढ़िया तरीके से इको ट्रिक्स पढ़ो बेस्ट पेपर है सबसे अच्छा पेपर है ठीक है थैंक यू सो मच बच्चों नमस्ते